हेलो, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम एक और कंस्ट्रेंट कवर करेंगे जो है फॉरेन की। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था प्राइमरी की के बारे में, हमने पढ़ा था यूनिक की के बारे में, उसी तरह हमारे पास एक और की होती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? ये एक अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल है और उसके बीच में हमारे को कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना है दोनों टेबल्स के बीच में, तो उस केस में हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। फॉरेन की क्या होता है? जैसे जब भी हम कोई एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं विद फॉरेन की, तो वो टेबल जो है वो कंसिडर होगी एज ए चाइल्ड टेबल। और जिस टेबल को हम उस फॉरेन की से रेफर कर रहे हैं, फॉरेन की में क्या होता है, हम एक दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करते हैं, है ना। तो जिस प्राइमरी की जिस टेबल को हम रेफर कर रहे हैं उसको हम कहेंगे पेरेंट टेबल। ठीक है, तो आप लोग इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि एक होती है पेरेंट टेबल, दूसरी होती है चाइल्ड टेबल। चाइल्ड टेबल के अंदर हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं जो रेफर करता है प्राइमरी की को किस टेबल से, पेरेंट टेबल से। ठीक है, तो जो हमारे जहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा है फॉरेन की का, वो तो हो गई हमारी चाइल्ड टेबल, और जहाँ पे हमने प्राइमरी की यूज़ की है वो हो गई हमारी प्राइमरी की यूज़ किया और उस प्राइमरी की को हमने फॉरेन की में रेफर किया वो हो गई हमारी पेरेंट टेबल। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये दो टर्म हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेगी इस कॉन्सेप्ट में। सेकेंड चीज़ हम जो डिस्कस कर सकते हैं वो है रूल, कि है ना, आप फॉरेन की मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे प्राइमरी की आपने देखा था कि एक ही यूज़ कर सकते थे एक प्रोग्राम में, है ना, एक टेबल के अंदर, बट फॉरेन की आप मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, वो हम वॉक थ्रू करेंगे, और फिर इसके बाद में इसके कुछ रूल्स होते हैं इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन के लिए, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और एक प्रॉब्लम ये भी रहेगा कि हम जो पब्लिक सर्वर यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ अथॉरिटीज़ की वजह से मैं आपको सारे ऑप्शंस परफॉर्म करके नहीं बता पाऊंगा अथॉरिटी के रीज़न की वजह से, बट हम उसको थियोरेटिकली इस तरह से समझेंगे कि जब भी हमारे पास कोई इसका एक्सेस रहेगा तो आप लोग उसको इजीली इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ हम देखेंगे कि कैसे फॉरेन की हम बनाते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, कि फॉरेन की है क्या। तो उसके लिए जो प्रोग्राम क्रिएट किया मैं उसको वॉक थ्रू करवाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने वही कांस्टेंट को डिक्लेयर किया। तो कांस्टेंट का नेम है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में, और एग्जैक्ट एसक्यूएल हमने किया यहाँ पे, कमिटमेंट कंट्रोल को हमने सेट किया नन पे। अब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो जो टेबल पहले हमने क्रिएट की वो है क्रिएट और रिप्लेस टेबल कस्टमर्स। इसमें आप देखोगे हमने कोई फॉरेन की यूज़ नहीं की, है ना। मैं दोनों टेबल इसी प्रोग्राम में क्रिएट करूँगा और फिर हम समझेंगे कैसे वो फॉरेन की और पेरेंट की होती है ना। तो अब फॉरेन की मतलब पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई फॉरेन की यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ क्या किया है, कस्टमर आईडी बनाया जो प्राइमरी की है, कस्टमर नेम बनाया जो वेयर कैरेक्टर 50 का है। ये एक टेबल बन गई जो नॉर्मल टेबल अभी हम बनाते थे। फिर हमने इसका वही एसक्यूएल स्टेट चेक किया, अगर सब कुछ ओके है तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज 0156, अगर हमने जर्नलिंग नहीं की तो हमारे को ये मैसेज मिलेगा टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल, और इसके अलावा कोई भी कंडीशन होती है तो एसक्यूएल स्टेट प्रिंट करके ये क्वेरी एंडेड विद एन एरर पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड टेबल के बारे में। सेकेंड टेबल में हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट और रिप्लेस टेबल ऑर्डर्स। तो ये हमने एक और टेबल बनाया ऑर्डर्स नेम से। पहले हमने आईडी रखी है इसमें, ऑर्डर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, ऑर्डर नंबर वेयर कैर 20, कस्टमर आईडी। तो आप देखोगे कस्टमर आईडी हमारी पेरेंट टेबल में भी थी। तो ये एक चीज़ समझ में आई हमारे को कि कॉमन एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिसके बीच में हम रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं टेबल्स के बीच में। ठीक है, तो वो है हमारी कस्टमर आईडी, क्योंकि इसी को हमने पेरेंट टेबल में भी रखा है। ये देख रहे हो कस्टमर आईडी, इसी को फिर हम रेफर करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये कॉलम बना दिया, अदरवाइज दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं होगी तो हम उस पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ना, कोई भी रिलेशन उस पर बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो अब हम फॉरेन की कैसे बनाते हैं, तो फॉरेन की के लिए आपको ये सिंटेक्स यूज़ करना है, फॉरेन की लिखना है, किस पे आपको इम्प्लीमेंट करना है उसका नेम आ जाएगा कस्टमर आईडी, रेफरेंसेस कहाँ से रेफरेंस लेगा, कस्टमर टेबल से, ये हमारे टेबल का नाम है कस्टमर्स, कौन से उसके फील्ड से, उसकी एक फील्ड कस्टमर आईडी से। तो हम यहाँ तो बता रहे हैं कि कस्टमर आईडी को आप बना दो फॉरेन की, और यहाँ हम बता रहे हैं कि रेफरेंस कहाँ से लोगे, कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी से। तो आप चाहो तो उसका नेम चेंज कर सकते हो, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सेम रखो, जिस इस वाले फॉरेन की मतलब जो आप अपना फील्ड बना रहे हो ना, उसका मैंडेटरी नहीं है कि आपको सेम नेम रखना जो दूसरे टेबल में, आप कुछ भी रख सकते हो, बट एक ये इजी रहेगा कि अगर आप सेम नेम रखते हो तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में क्लियर रहेगा कि हाँ ये हमने कॉमन फील्ड रखा है। ठीक है, तो रेफरेंसेस लिखना है, कस्टमर्स, कस्टमर आईडी, और ये टेबल क्रिएट हो गया।
तो अब इसका मीनिंग क्या है, जो ये वाली टेबल है ना, ये हमारा चाइल्ड टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने फॉरेन की बनाया है, जो रेफर करता है, जो डिपेंड करता है हमारे पेरेंट टेबल पे, पेरेंट टेबल की प्राइमरी की पे, है ना। यहाँ जो भी की आप दे रहे हो वो प्राइमरी की होना चाहिए, है ना, मैंडेटरी है वो, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पेरेंट टेबल, जो ऊपर वाली कस्टमर टेबल है वो पेरेंट है, ऑर्डर वाली जो है वो चाइल्ड टेबल है। और इसके जैसे ये टेबल क्रिएट होता है, फिर हम वापस से इसको भी चेक कर लेंगे, अगर एसक्यूएल स्टेट वैलिड आता है तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, 0156 आएगा, 567 आएगा, क्योंकि हमने जर्नलिंग नहीं किया, तो टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल्ड। अगर कुछ और इशू होता है तो ये डिस्प्ले करेगा एसक्यूएल स्टेट को, क्वेरी एंड हो जाएगी विद एरर, और INLR को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ, कंपाइल हुआ, कॉल किया, तो हमारे पास आया टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल्ड, और सेकेंड टाइम भी वही आएगा, टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल्ड। तो इसका मीनिंग है कि हमारे जो दोनों टेबल थी वो हमने क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेरी रन करके दिखा देता हूँ किस तरह से वो टेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश कस्टमर्स, तो ये हमारी पेरेंट टेबल बन गई। और अगर इसी को मैं ऑर्डर्स पे रन करके दिखाऊंगा तो आपको ये बन जाएगी, ये हमारी चाइल्ड टेबल हो गई। ठीक है, दोनों में कॉमन है कस्टमर आईडी। तो ये था पूरा प्रोसेस। इस सेशन में हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि एक तो पेरेंट टेबल क्या होती है और चाइल्ड टेबल क्या होती है। जब भी आप फॉरेन की के साथ में वर्क करोगे तो ये एक टर्म है जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा, पेरेंट टेबल चाइल्ड टेबल। तो जहाँ भी हम रेफरेंसेस, जहाँ भी हम फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा चाइल्ड टेबल, और जहाँ पे हमने प्राइमरी की रखा है और उस प्राइमरी की को हम रेफर कर रहे हैं वो हो गया हमारा पेरेंट टेबल। ठीक है, इसमें डेटा इंसर्शन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, डेटा डिलीशन के रूल्स होते हैं, अपडेशन के रूल होते हैं। ठीक है, अब इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि सपोज हम एक कॉलेज का डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, उस कॉलेज के डेटाबेस में क्या है, हमारे पास एक तो है जिसमें हमने सिर्फ स्टूडेंट की डिटेल रखा है कि स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नेम, और एक टेबल है लाइब्रेरी से रिलेटेड कि उस स्टूडेंट ने लाइब्रेरी से कौन सी बुक्स अवेल की है। तो दो टेबल हो गई। अब मान लो फर्स्ट टेबल में हमने लिखा कि यूज़र आईडी 123 है, जिसने जिसका नेम है user1। ठीक है, टेबल वन में। टेबल टू में हमने लिखा कि 123 ID है, जिसने बुक अवेल करा रखी है, वो है RPGLE की कोई बुक है जो उसने वहाँ से पिक किया है। ठीक है, तो इसके बीच में एक रिलेशन हो गया कि 123 दोनों में कॉमन है, उसका नेम मिल रहा है हमारे को पहले टेबल से, और उसका जो उसने बुक लाइब्रेरी से अवेल की है वो मिल रही है सेकेंड टेबल से। अब क्या होगा, अगर जैसे मान लो मैंने फर्स्ट टेबल सेकेंड टेबल में मैंने लिख दिया कि 123 जो है स्टूडेंट उसने बुक अवेल की है, पर मैंने फर्स्ट टेबल से उसको रिमूव कर दिया, तो क्या वो करेक्ट है? वो करेक्ट नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने सेकेंड टेबल में जो डेटा रखा है वो डिपेंड करता है हमारे फर्स्ट टेबल पे, है ना, और फर्स्ट टेबल पे से अगर उसको आपने हटा दिया तो वो फिर सेकेंड में उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा फर्स्ट या पेरेंट टेबल से डेटा को डिलीट करने का, जब तक आपके जो चाइल्ड टेबल है उसमें डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये था एक कॉन्सेप्ट, इसको और डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, जिसमें हम कुछ टेबल्स बनाएंगे, कुछ डेटा मैं इंसर्ट करूँगा, प्रॉपर हम उस पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे PUB 400 पे कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा कि कैसे कैसे हम उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे जब भी हमारे को डिलीशन अपडेशन या फिर कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आई होप आपका सेशन, आज का ये सेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।